Oh, dah lagi mana? Oh, sabar, sabar. Hello. Apaan sundi? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 4 घायल हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया है। सीआरपीएफ सूत्रों ने बताया कि ये घटना केपी जनरल बस स्टैंड के पास घटी। वाहन में बैठे आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोली चलानी शुरू कर दी। सीआरपीएफ के जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया था। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत एसएचओ अनंतनाग अरशद अहमद और एक महिला शामिल है। महिला के पैर में गोली लगी। एसएचओ अरशद अहमद को उपचार के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। आतंकवादी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने 5 सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया है। अल उमर मुजाहिदीन इस तरह के हमले जारी रखने की धमकी दे रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फरवरी में एक फिदायीन हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला बोला था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।